सलाम नमस्ते, मैं हूं रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के चलते आज मैंने दूसरी फिल्म का मुहूर्त किया है। उस फिल्म का नाम है आग और सुहाग। तो जैसे आप प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप देते रहिए। चूँकि सर ने पूछा आग और सुहाग के बारे में कुछ बताना है। ये फिल्म पूरी पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ आपको देख सकते हैं। एक भी सीन इसमें आपको गंदा नहीं मिलेगा, एक भी गाना गंदा नहीं मिलेगा और आपको इस फिल्म से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सर, चंबल तो खैर बहुत फेमस है, अच्छी चीज़ों के लिए भी फेमस है, बागियों के लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन इस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो इसमें बाल छोटे करवा लिए। एक्चुअली मैंने मेरे जब बड़े बाल थे तब ये फ़ोटो लिया गया था, तो कुछ बदलाव किया है जो कैरेक्टर इस फिल्म में मेरा, जिसमें छोटे बाल हैं और दाढ़ी भी बहुत छोटी है, नहीं तो मैं बड़े लंबे बाल बहुत रखता हूँ, तो इस कैरेक्टर के हिसाब से मैंने लुक बदला है। सर, एज ए लीड कर रहा हूँ उसमें और किरदार एक नॉर्मल परिवार का लड़का है जो रेलवे में, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, तो एक सिंपल से परिवार का है। हम लोग कोई अमीर नहीं है, कोई ज़्यादा एक मीडियम वर्ग फैमिली के हैं। तो उसके बाद फिर कहानी चलती रहती है। सर, आप संजय पांडे जी नो डाउट भोजपुरी के बहुत बड़े अभिनेता हैं, पूरी बंद किताब है वो, जब कैमरा ऑन होता है तभी वो खोलते हैं अपनी किताब को। तो एक लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने को आपको मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है इतने बड़े महान एक्टर से। तो मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ सीखने को मिले उनसे, तो मैं उनको देखूँगा, चीज़ों को जानूँगा और मैं बहुत खुश हूँ। सर, पुराने अभिनेता के साथ करने का आपको क्या विशेष अनुभव होता है? विशेष अनुभव यही होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको बहुत कुछ सीखना है आप उनसे, जब वो बोल रहे होते हैं, कैसे क्या डायलॉग बोल रहे हैं वो लोग, तो हर चीज़ आपको उनसे सीखने को मिलता है। एक वो टीचर है हमारे, जो अभिनेता हमारे सीनियर एक्टर हैं वो लोग टीचर होते हैं, तो उनसे हमको सीखने को मिलता है। सर जी, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना काल जल्दी ख़त्म हो और जो सिनेमा की हाल, सिनेमा जो अभी बंद चल रहा है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए, जिससे भी जो बंद पड़े हमारे रिलीज होने के लिए जो फिल्में पड़ी हैं वो अत्यधिक रिलीज हो। तत्पश्चात आपका भी नंबर आया और आप मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में आप भी खेसारी, निरहुआ और तथा पवन सिंह जैसे स्टारों में शुमार होंगे, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, श्रुति राव जी हैं और एक अनु पांडे जी हैं, दोनों से मुलाकात मेरी पहली है हालांकि, लेकिन दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। चूंकि कौन आग लगाने वाले, कौन सुहाग का साथ देने वाले हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ होने नहीं, हाँ थोड़ा इसमें ऐसा कुछ है, लो जो आप देखेंगे तो तभी बताएंगे आपके कौन साथ में है, कौन हमारे अलग है। पूरा सस्पेंस है, कौन मिलेगी, या एक मिलेगी या दूसरी मिलेगी या दोनों नहीं मिलेंगी या दोनों मिल जाएंगी, वो फिल्म जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक्चुअली मैडम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, ये पहला एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। मैंने उनका नाम बहुत सुना है, ऐसा नहीं है कि नीलम जी का नाम किसी ने नहीं सुना है, भोजपुरी की बहुत बड़ी अभिनेत्रियां हैं और मैं तो कहूँगा कि लेजेंडरी अभिनेत्रियां हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव भी है हमको। नहीं, ख्याल आता है ना मन में कि एक जी बहुत बड़ी है तो इनका नेचर कैसा होगा, मेरा ऐसा एक स्वभाव होता है कि मैं सबसे बात करता हूँ, जो बात नहीं करना चाहता तो दूर हो जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छे से बात किया और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मैं, कि रवि यादव की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैंस से सिर्फ यही कहूँगा, मैं कहूँ या ना कहूँ वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं, अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट मेरे फैंस को जाता है, मेरे जो चाहने वाले हैं, जो प्यार मोहब्बत करने वाले हैं उनको जाता है, मेरे माता पिता उनको जाता है। मेरे माता पिता जन्म देते हैं, एक स्टेज के बाद आता है जो आपको एक सफलता हासिल करनी पड़ती है, वो आपके फैंस हों, सपोर्टिव हो, तो वही मैटर करता है। तो मेरे फैंस मेरे बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इसी तरह रवि यादव चंबल बॉय को प्यार आशीर्वाद देते रहिए।